सुपौल अररिया नई रेलवे लाइन निर्माण में हर स्तर पर अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। कहीं जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं देने तो कहीं निर्माण कार्य में मनमानी करने की शिकायत की जा रही है। इसको लेकर संबंधित लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल सुपौल अररिया नई रेल लाइन में पिपरा प्रखंड अंतर्गत थुमहा में बन रहे नए रेलवे स्टेशन निर्माण स्थल कटैया में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने मिट्टी भराई कार्य में लगे कंपनी पर अवैध रूप से मिट्टी बेचने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस नई रेलवे लाइन पर कार्य कर रहे निर्माण कंपनी नई रेलवे स्टेशन थुमहा में मिट्टी भराई का कार्य कर रही है, क्योंकि यह मेरे प्लॉट का जमीन जो रेलवे में गया है उनको क्या किया, उसके बगल में 6 फीट 7 फीट गड्ढा बना के ले गया मिट्टी काट के चोरी से, या किस नियम के गोताख में रखते हुए मिट्टी को निकाला है यह हमको बतलाया जाए। और जहाँ तक बात है कि सीमा से, वैसे भी सीमा से 3 फीट हटा के मिट्टी काटने का अलाव है, लेकिन वो उचितर सीमा तक मिट्टी काट के 6 फीट नीचे गड्ढा कर दिया, जहाँ की कभी भी बारिश की मौसम आएगी उसमें बारिश होगी और जो भी प्लॉट बचा हुआ सब बह के नीचे। तरफ से यही प्रदर्शन है इसलिए कि यहाँ जो रेलवे कंपनी JPW कंपनी का नाम है, ये जो अपना वेट का भराई कर रहा है, इसको जो मिट्टी का टेंडर किया गया है इसको बाहर से मिट्टी लाकर भरने का काम है, न कि यहाँ स्टेशन की चौराई से मिट्टी काटकर और वेट की भराई करने के लिए। ये सरासर अपराध है और ये अवैध रूप से मिट्टी की चोरी करके और हमारी पब्लिक सरकारी प्रॉपर्टी को पहले ये क्षति पहुंचा रहा है, और सरकारी प्रॉपर्टी हम लोगों की प्रॉपर्टी है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोग की है। इसी तौर पर हम लोग एज ए नागरिक हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर अधिक से अधिक और बड़े से बड़े उच्च अधिकारी तक हम लोगों ने आवेदन पहुंचाया है, और इस आवेदन के तौर पर हम लोग ये इस कंपनी के ऊपर लीगल प्रोसेस। वही जमीन मुआवजे मामले में प्रभारी DM सह DDC मुकेश कुमार ने कहा कि भू अर्जन की प्रक्रिया के बाद कई रैतों द्वारा यह शिकायत की गई है कि उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा है। भू अर्जन की प्रक्रिया के बाद कई रैयतों के द्वारा यह शिकायत किया गया है कि उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा है। जनता दरबार में भी इस तरह का मामला आता है, हम लोग उसकी जांच कराते हैं, और जांच कराने के बाद जो भी फैक्ट निकल के आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करते हैं। अगर किसी को समस्या हो, कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति जिला भू अर्जन कार्यालय में डाल सकते हैं, हम लोग उसका जांच करके जो उचित निदान होगा वो लोग कराएंगे। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन इसे लेकर कितना सख्त कदम उठाता है और अवैध रूप से मिट्टी काट कर बेचने पर कब रोक लगती है। पंजाब केसरी TV के लिए सुपौल से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।